मकराना में जाट समाज ने श्री राम भीचर के नेतृत्व में समाज सुधार की अद्भुत पहल करते हुए शिक्षा, समाज और प्रशासनिक सेवाओं के लिए खर्च करने पर जताई सहमति। समाज में फैली कुरीतियों को लेकर के और मैंने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर के और जनता के बीच में जाकर के जो कुरीतियां थी उन पर जो है मैंने चर्चा की, और उन चर्चाओं के अंदर समाज के द्वारा आया 33 बिंदु मेरे सामने आए। उन बिंदुओं को लेकर के आज तहसील स्तरीय आज बैठक रखी गई, जिस पर मेरे समाज के हजारों मुख्य लोगों ने, देवता रूपी लोगों ने आज मुझे सहमति दी। इसके लिए मैं समाज के सभी भाइयों को, समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और इसके बाद में और भी आगे जो है गांव-गांव में जाकर के और इसका और प्रचार करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके बाद में जो है कम से कम आने वाले महीने दो महीने बाद में जब किसानों का खेत का काम पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में जो है एक बहुत बड़ी तहसील स्तरीय जिसके अंदर महिलाओं को भी बुलाएंगे और आदमियों को बुला करके एक जो है बहुत बड़ी मीटिंग की जाएगी। समाज के आज जैसे खेती का काम था लेकिन फिर भी खेती के काम को भी जो है उन्होंने अनदेखी करते हुए आज हजारों की संख्या के अंदर यहाँ किसान आए, इसके लिए मैं समाज का बहुत कर्जदार हूँ और उन्होंने अपनी सहमति दी, इसके लिए मैं समाज का धन्यवाद देता हूँ। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं और भौतिकतावादी चकाचौंध से बचते हुए जरूरतमंद होनहारों को मदद और समाज के भवन निर्माण पर दिया जोर, तो विधायक रूपाराम मुरावतिया ने सामाजिक एकजुटता का दिलाया संकल्प। किसी भी काम को करने के लिए अगर ईमानदारी और सच्चाई से बिना भेदभाव के लगन और निष्ठा से काम करेंगे तो वो काम 100% पूरा होगा। और हमने जो जिम्मेदारी तय कर ली हमारी, हमने जो ठान ली कि समाज में बढ़ती कुरूतियों को कम करना है, तो उसमें सबसे पहला गुण हमारा ये होना चाहिए कि हम सबको आत्मा से एक होना चाहिए। समाज के सुधार में केवल समाज सुधार की ही बात हो, समाज के सुधार के अभियान में कोई मीटिंग हो, कोई गांव में प्रचार हो तो समाज की बात हो तो अच्छा है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है, चाहे हमें राजनीति नुकसान कितना ही हो, चाहे हमें व्यापारी नुकसान कितना ही हो, समाज की सुधार की बात में हमें सिर्फ समाज की ही बात करनी है। शक्ति व भक्ति की सिद्ध भक्त शिरोमणि कर्माबाई की जन्मस्थली मकराना क्षेत्र के जाट समाज में यहाँ से विधायक रहे श्री राम भीचर के नेतृत्व में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में 33 बिंदुओं की आदर्श समाज आचार संहिता बनाई है, जिसका पालन करने के लिए बुधवार 23 अक्टूबर 2019 को बोरावड़ की राणा रॉयल्स पब्लिक स्कूल में एकत्रित समाज के लोगों ने एक स्वर में समाज सुधार का संकल्प दोहराया। बात तो ताने सगली सुना दी लेगा, बाकी पालना करवा की सब की अच्छा हुए, जरा पार हुए, पालन करो, सब हाथ खड़ा करो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय। बुराइयां समाज में जो है उनको हमें सब लोगों को एक जाजम पर बैठकर एक दूसरे का सहयोग कर, और कोई अगर ऐसी बुराई समाज में अगर नहीं मानता हो तो उसको हम सब लोग मिलकर एक सही दिशा में लाने का काम करें, और श्री राम जी जैसे काम कर रहे हैं इनका हम सब लोग सहयोग करें। और ये समाज जो है इतना बड़ा समाज है, अगर इस समाज में सुधार हो गया तो ये मानो सभी बाकी समाजों में भी सुधार होगा। कार्यक्रम का मंच संचालन जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम कीवाड़ा ने किया। वही तो गाएगा और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगा। ये फैसले और ये निर्णय दृढ़ रूप से हो तो उसके प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञ भी हों, और जिन चीजों का जिक्र यहाँ पर हो उनके अपने घर से एक पावन शुरुआत भी हो। उल्लेखनीय है कि मकराना नागौर जिला क्षेत्र में ओसर मौसर, पैरावनी एवं अन्य रूढ़िवादी परंपराओं में बेतरतीब तरीके से अनाप शनाप खर्च हो रहा था, जिसे नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। एक तो रूढ़िवादी परंपरा पाछा चली आवे जकी सदियां पुरानी वेर बिन आपन छोड़ कोन सकिया। एक जगह हाजिर जमाना को साइड इफेक्ट हुए भी आपने छुटकारो पानो पड़े। ये जो बात अपन यहाँ तय करें उसको लागू करें, अगर कोई बात कर ली लाग गए कि आप हार कौन पड़े तो भी समाज का पांच आदमी बैठ और भी को अल्टरनेट देवे, जब वो सुधार समाज सुधार को अभियान आगे चल रहे इस बात पर तो भाई कायम रहियो। सामाजिक सुधार की इस मीटिंग में शिक्षा के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया,
जिसके लिए होनहार विद्यार्थियों को आर्थिक मदद और मकराना उपखंड मुख्यालय पर जाट समाज भवन एवं छात्रावास निर्माण की बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में आज आवश्यकता है उच्च शिक्षा की और प्रतियोगी शिक्षा की। प्रतियोगिताओं में उच्च शिक्षाओं में बहुत खर्च होता है और खर्च के लिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमने अनावश्यक खर्च अपना लिए हैं, उन अनावश्यक खर्चों को तोड़ करके उनको कम करके और उस बचत को आज इस शिक्षा के क्षेत्र में खपत करो। आज का भविष्य उज्जवल होगा और क्या होगा, आशाओं के दीप जलेंगे, मुस्कानों से भरा पल होगा, चारों तरफ खुशहाली होगी, आज से भी सुंदर कल होगा। ये जरूरी है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम समाज सुधार की चीजों के ऊपर गौर करें। यानी वीर तेजा समाज कल्याण सोसाइटी मकराना बोरावड़े ने 3 साल पहले मंथन किया था, यानी शिक्षा में हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके उनको नवाजने का बीड़ा उठाया और हम लगातार 3 साल से वो कार्यक्रम आपके सहयोग से, जिसमें जनता का भी भरपूर सहयोग रहता है, करते आ रहे हैं। जाट समाज सुधार के इस मिशन में विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, मकराना की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचगण, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद समेत समाज के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद रहे और सभी ने सामाजिक एकजुटता समरसता के साथ सबको साथ लेकर चलने की बात कही। तो इसके लिए पूरे समाज को सहमति से, पूरे समाज को विश्वास में लेकर के कि भाई इस तरह का जो बंधन है वो हमारे समाज के हित में है और उस समाज के हित में अपन सब चलेंगे तो समाज अपना उन्नति करेगा। जबरदस्त अगर थोपेंगे अपन और थोपने वाली बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपन समाज के अगर एक दूसरे को बैठ करके निपटें तो मैं समझता हूँ कि समाज निश्चित तौर से अनाधिकृत खर्चों से बचेगा और जागृत होने के साथ साथ में समाज आगे बढ़ेगा। समाज सुधार किन सभी बिंदुओं पर समाज बंधु ने अपने विचार और सुझाव रखे और प्रत्येक गांव में 5-5 लोगों की सामाजिक सुधार कमेटी बनाने का निर्णय हुआ। समाज की टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना शुरू कर दो। तो हाथ खींचने का मतलब क्या है, आपके अंदर से जो अच्छा आदमी है आप उसकी बुराई करने के बजाय उसकी अच्छाई करो, उसकी चर्चा करो। दूसरे समाज में जाओ तो वहां जाकर के जहां भी बैठक में जाते हो बात करो कि मेरे समाज में हमारे यहाँ पे इस तरह का एक खेलकूद करने वाला लड़का है, हो सकता है उसकी पहचान उसी हिसाब माध्यम से मिल जाए। कई आदमी समाज में यन का है जगह आज पहली मोसर जिम्बो बंद कर दियो, जगह पहल के लोग भेड़ा व्यार क्यों भाई मोसर बंद करनो, बंद तो कोनी हो लेकिन भाई जिम्बो बंद कर दियो। कई लोग यन का हाज का बेस नहीं देर मांगा रोकड़ी पीसा देवो चालू कर दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि आपनों 5-4 कोस को एरियो है इनमें पैरावनी बंद है, आई भेजा खुशी की बात है। और जो समाज सुधार का ना हो आप जगह भेड़ा हो यार, समाज सुधार में यदि जाट आगे हुआ है तो बाकी का समाज भी सुधर जाए। जाट समाज मकराना की 33 बिंदुओं की आदर्श आचार संहिता को पूर्व विधायक श्रीराम भीचर ने विस्तृत रूप से समाज के समक्ष रखा और सभी का समर्थन और सहमति जुटाकर इसे लागू करने की बात कही। इवास्ते मैं एक एक बिंदु आप लोगों के सामने रखूं और भी पर आप लोग सहमति दो तो हाँ, अगर आप लोग कह दो कि मांगी सहमति को अंत कैंसिल है तो काम है वो नहीं उड़ो, अगर वो 12वां के दिन नहीं उजाणो बात है 13वां के दिन नहीं उड़ो वो सही है कि नहीं बात है। धन्यवाद। डीजे सेट पूर्ण तैयार बंद उड़ो सही है कि नहीं है, हाथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बार वहां पर पैराणी बंद है, पैराणी को काम पूर्णतया बंद होनो सही है कि नहीं है, धन्यवाद। कार्यक्रम में अराई से आए जाट समाज के प्रतिनिधि मंडल ने समाज सुधार का उदाहरण पेश भी किया और इसी तरीके से अपने घर से सामाजिक सुधार की शुरुआत करने का आह्वान किया। अगली बार जब भी इस तरह का कार्यक्रम हो कोई भी वक्ता बोले वो ये उदाहरण पेश करे कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। और इसका उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ। 5 चीज़ों को ग्राम बरना में लागू किया है, लगभग 3 साल हो गए हैं। हर साल दीपावली के राम राम, अभी जब 28 तारीख है उस समय हमारी मीटिंग होती है। सबसे पहले उठावना तीये की बैठक, दूसरा हमने जो किया मायरे के ऊपर कपड़े का, बहन या बेटी के अपन मायरा करने जा रहे हैं उसके जो परिवार के 2-4 खास भाई या काका बाबा है वो केवल कपड़े ले जाएंगे, बाकी गांव वाले जो भी जा रहे हैं सब न्यूनतम 300 रुपये, अधिकतम आपकी मर्जी। संयोग यह रहा कि वो मायरे का काम मेरी बहन के पड़ा सबसे पहले,
और आप यकीन नहीं करोगे, शुरुआत में 48,000 रुपए 48,000 रुपए प्राप्त हुए। इस अवसर पर जेवीपी मीडिया ग्रुप की टीम ने समाज बंधु से इस सामाजिक सुधार के सकारात्मक बदलाव पर भी प्रतिक्रिया जानी, जिसका बहुत अच्छा परिणाम पाने की उम्मीद जताई गई। हम ये सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है कि आगे भी हमारा समाज इस जो आज 33 बिंदु पर जो हमें चर्चा की है और चर्चा को हम पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करेंगे। गांव-गांव में जाकर के हम सभी को जागृत करेंगे और जो भी और जो बिंदु छूटे उन पर और ज़्यादा मंथन करके उनके सुधारात्मक प्रयास करेंगे और आज का जो हमारा इतिहास रच रहा है उसके लिए हमें सभी समाज को बहुत खुशी हो रही है। और वास्तव में ही ये एक समाज में एक सकारात्मक सोच और आगे प्रोग्रेस का रास्ता नज़र आ रहा है। सभी पॉइंट को गौर किया जाए और ये सभी पॉइंट हमारे समाज के लिए, सुधार के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे समाज के लिए आगे भविष्य के अंदर हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। प्राय बिल्कुल सही आएगा। हाँ, जहाँ तक है कोई एक दो बिंदु को छोड़िए प्राय से मीटिंग है ना, बहुत अच्छी हुई और ये समाज के प्रति बहुत बढ़िया हुई है मीटिंग। खैर कूदते मिटाई, बहुत बहुत धन्यवाद है MLA साहब को और आपको पत्रकार बंधु को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो जाट समाज है उसके उत्थान के लिए कुछ 33 बिंदु के पे चर्चा की गई, अगर सही ढंग से विचार किया जाएगा तो अवश्य हमारा समाज उन्नति की ओर जाएगा। टाइम टू टाइम सामाजिक मंथन होना चाहिए तथा जितने भी बिंदु है उन बिंदुओं पर मंथन करने से शिक्षा की जब जागृति जैसे जैसे होगी ना, वैसे वैसे जैसे एक वर्ग को वाइकाट करने की भाषा यहाँ बुलाई गई तो उसके साथ साथ उसको भी जागृत होगा ना, और नॉन पॉलिटिकल स्टैंड से इसमें मंथन चलता रहेगा तब तो आगे जाकर के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। कुर्तियों को दूर करने के लिए एक सुझाव आया है, जो बच्चा बच्ची के अनबनती हो जाती है और रिश्ता छूट जाता है, उस रिश्ता को वापस उस बच्चा बच्ची का रिश्ता दोबारा होता है और शादी करते हैं, तो उसके अंदर समाज से मैं विनती करता हूँ कि कोई भी आदमी समाज का नहीं जाए, उसका बहिष्कार करे ताकि बच्चा बच्ची का उसका घरवाले ही उसकी शादी करे, शादी में तो उसे महसूस हुए कि भाई जो गलती करता है उसे समाज का आदमी बहिष्कार करता है।